हथियार तस्करों पर नकेल कसते हुए जबलपुर एसटीएफ ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में एसटीएफ और रीवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी बिछिया थाना अंतर्गत अवैध रूप से देसी कट्टे का निर्माण कर उसे अपराधियों को बेचता था। रीवा पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी उस समय अपने कारखाने में हथियार बना रहा था। जबलपुर एसटीएफ ने आरोपी के पास से 8 देसी कट्टे जब्त किए हैं। बहरहाल आरोपी जबलपुर एसटीएफ की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ जारी है। अंदेशा बताया जा रहा है कि आरोपी से कई हथियार तस्कर गिरोह की जानकारी मिल सकती है। एसटीएफ को लगातार अवैध जो हथियार है उनके संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही है और इस पर हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमको रीवा से खुद द्वारा सूचना मिली थी कि सुभाष भारती नाम का आरोपी है, वो जो कट्टे बनाकर बेचने का काम करता है। मुखबिर की सूचना पर हमने थाना बिछिया जिला रीवा की पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कल उसको 8 कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है, जो कि 312 एम 315 बोर के थे। और लगातार हमारे ऐसे जो हथियार जहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं तो इस तरह से ऐसे हमारी लगातार अभी कार्रवाई आगे और भी जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, इस मामले में पूरी विवेचना चूँकि रीवा पुलिस द्वारा की जा रही है और आगे भी जो इनके आगे जो भी आरोपी है जिनके नाम विवेचना में आए हैं उनके बारे में पुलिस पता रसी कर रही है और आगे भी निश्चित रूप से और भी गिरफ्तारियां इस प्रकरण में होंगी और भी हो सकता है इसमें नए कुछ जानकारियां हासिल हों।